नमस्कार मित्रों, मैं प्रतीक आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये कार्ड तो आप सब जानते होंगे, ये है मेरा वोटर आईडी कार्ड। कई लोग इसे सेशन कार्ड भी कहते हैं और मैंने भी बचपन से इसके लिए सेशन कार्ड ही शब्द सुना है, पर मैंने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की और सोचा भी नहीं कि आखिर इसे सेशन कार्ड क्यों कहा जाता है। लेकिन कल रात को मैं जब सपरिवार न्यूज़ चैनल देख रहा था तो उसमें ईवीएम हैकिंग को लेकर जिस प्रकार से अभी नेताओं की ड्रामेबाजी चल रही है उसके ऊपर न्यूज़ आ रही थी, तो बातों ही बातों में पुरानी पेपर बैलेट सिस्टम का विषय निकला। तो पिताजी ने बताया कि उनके ज़माने में यानी 80-90 के दशक में जिस प्रकार से चुनाव होते थे उससे तो बहुत अच्छे तरीके से अभी चुनाव होते हैं ईवीएम के द्वारा। पेपर बैलेट सिस्टम में बहुत प्रकार की धांधली होती थी, मतगणना में भी बहुत सारा समय लगता था, जो मतगणना करने वाले अधिकारी होते थे उनको दो दो तीन तीन दिन तक एक ही जगह पर रहना पड़ता था। कई बार बीच में ऐसी न्यूज़ आती थी कि भाई जो हमारे बैलेट पेपर है जिसपे हम मतदान करते हो, बैलेट पेपर ही गायब कर दिए गए हैं, कुछ बैलेट पेपर जला दिए गए हैं, फाड़ दिए गए हैं, इस प्रकार की अनेक प्रकार की न्यूज़ आती थी उस समय भी। तो बहुत कुल मिलाकर बहुत प्रकार की धांधली उस समय होती थी। लेकिन उसके बाद एक बहुत महान व्यक्ति TN सेशन जी, उन्होंने पूरी इलेक्शन प्रणाली को ही बदल के रख दिया भारत में। तिरुनेल्ला नारायण सेशन जी, ये भारत के 10वें चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे 1990 से लेकर के 1996 तक। ना ही इनके पहले और ना ही इनके बाद आज तक कोई इलेक्शन कमिश्नर इतने प्रसिद्ध हुए हैं। यहाँ तक कि भारत के लोगों को उनके आने के बाद ये पता चला कि भाई भारत में भी इलेक्शन कमीशन नाम की कोई चीज़ होती है और उनके पास इतने अधिकार होते हैं, ये TN सेशन जी के इलेक्शन कमिश्नर बनने के बाद लोगों को पता चला। और उनके इन्हीं योगदानों को देखते हुए उनको भारतीय चुनाव सुधारों का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स इन इंडिया। 1990 से लेकर के 1996 यानी इन 6 सालों में उन्होंने जितने काम किए हैं वो जानकर आप सच में दंग रह जाएंगे। लेकिन ये हमारे देश का दुर्भाग्य रहा है कि हमारे जो सच्चे नायक रहे हैं, हमारे जो रियल हीरोज रहे हैं, उनको हमने कभी भी सम्मान नहीं दिया है। हमारे पाठ्यपुस्तक भी देख लीजिए, एक परिवार को छोड़कर के दूसरे क्रांतिकारियों के नाम भी हमको दूरबीन लेकर के खोजने पड़ते हैं, फिर भी मिलते नहीं हैं, और मिलते भी हैं तो उनके नाम के आगे आतंकवादी जोड़ा गया है। ये हमारे देश का सच में बहुत बड़ा दुर्भाग्य रहा है। TN सेशन जी का जन्म केरल के पलक्कड़ जिले के तिरुनेल्ले नामक गाँव में हुआ था। वो आज भी जीवित है और उनकी उम्र 84 साल है, इसीलिए हम उनको लिविंग लेजेंड भी कह सकते हैं। TN सेशन जी अपने सिद्धांतों पर बहुत ही अड़िग रहते थे। देश को भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए वो कोई भी विवाद मोल लेने के लिए हमेशा तैयार रहते थे, किसी भी हद तक जाने के लिए वो तैयार रहते थे। इसीलिए केंद्र की कांग्रेस सरकार के साथ उनके कई बार विवाद भी हुए। उनको अल सेशन कहा जाता था, सनकी कहा जाता था, और भी कई प्रकार की संज्ञाएं दी जाती थी। लेकिन देश को भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए वो किसी के भी खिलाफ जाने में डरते नहीं थे, साहस रखते थे। उनके इसी योगदान को देखते हुए जब वे रिटायर हुए तो 1997 में वे भी एक राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार थे और पूरे देश के लोग चाहते थे कि भाई TN सेशन जी ही राष्ट्रपति बने। और जिस प्रकार से हमें इलेक्शन कमिश्नर के अधिकार पता चले हैं, उसी प्रकार से राष्ट्रपति पद के भी हमें अधिकार पता चले, तो पूरे देश की इच्छा थी कि भाई TN सेशन जी ही राष्ट्रपति बने। लेकिन वो चुनाव हार गए और KR नारायण जी राष्ट्रपति बने। अगर ये चुनाव देश की जनता लड़ती तो सच में उस समय TN सेशन जी ही राष्ट्रपति बनते। अब दोस्तों, आगे हम बात करते हैं TN सेशन जी के भारतीय चुनाव क्षेत्र में दिए गए योगदान के बारे में। ऐसे कौन से नए कानून उन्होंने लागू किए जिसके कारण भारत की चुनाव प्रणाली पूर्ण रूप से बदल के रह गई, उन्हीं कानूनों के बारे में अभी हम बात करते हैं। तो उनका सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण निर्णय था वोटर आईडी कार्ड चालू करना। उनके आने के पहले वोट देने के लिए किसी भी प्रकार के वोटर आईडी कार्ड की जरूरत नहीं रहती थी। मतलब जनगणना के आधार पर जो लिस्ट रहती थी उसी के आधार पर पोलिंग बूथ पर आप जाकर लिस्ट में अपना नाम ढूंढ सकते थे, फिर आप पर्ची लेकर वोट कर सकते थे। और इसमें बहुत प्रकार की धांधली होती थी, तो यही सब रोकने के लिए TN सेशन जी ने वोटर आईडी कार्ड चालू किए थे और इसी वजह से आज भी वोटर आईडी कार्ड को सेशन कार्ड कहा जाता है। दूसरा उनका निर्णय था कि चुनावी आचार संहिता का कठोरता से पालन करवाना। तीसरा निर्णय और सबसे महत्वपूर्ण निर्णय था कि भाई उम्मीदवारों के खर्चे पर लगाम लगाना। उनके आने के पहले कितना भी खर्चा उम्मीदवार कर पाते थे, लेकिन उन्होंने ये निर्णय लागू करवाया कि भाई जितना चुनाव आयोग निर्धारित करेगा उससे ज़्यादा आप खर्चा चुनाव में नहीं कर सकते। प्रगतिशील और स्वतंत्र चुनाव आयोग की प्रणाली भी उन्होंने शुरू की। मतदाताओं की उम्र 21 से 18 भी उन्होंने ही करवाई। इसके बाद मतदाताओं को धमकाना, उनको किसी भी प्रकार के प्रलोभन देना, उनको घूस देना, इस प्रकार की बातों पर भी लगाम उन्होंने ही लगवाई। इसके बाद चुनाव के समय में दारू पर बंदी लगाना, दारू पर पाबंदी लगाने जैसा महत्वपूर्ण निर्णय उनके ही कार्यकाल में लिया गया।
टीएन सेशन जी के आने के पहले उम्मीदवार खुद के प्रचार के लिए सरकारी प्रणाली का उपयोग करते थे। इस पर भी टीएन सेशन जी ने पाबंदी लगवाई और बताया कि भाई किसी भी प्रकार की सरकारी प्रणाली का आप खुद के प्रचार के लिए उपयोग नहीं कर सकते। किसी भी जाति, धर्म और संप्रदाय का नाम लेकर आप वोट नहीं मांग सकते। इस प्रकार का कानून भी टीएन सेशन जी ने ही लागू करवाया। आपके चुनाव प्रचार के लिए आप किसी भी प्रकार के धार्मिक स्थल का उपयोग नहीं कर सकते। ये कानून भी टीएन सेशन जी ने ही लागू करवाया। तो दोस्तों आप सोच सकते हैं कि उस समय किस प्रकार का विवाद उस समय की सरकारों के साथ हुआ होगा उनका, लेकिन फिर भी किसी से भी न डरते हुए, किसी की भी दबाव में न आते हुए टीएन सेशन जी ने इतने महत्वपूर्ण निर्णय उस समय लिए और हमारे भारत को एक बहुत ही सुचारू और बहुत ही बढ़िया इलेक्शन प्रणाली टीएन सेशन जी ने दी। आप सोच सकते हैं उनके आने के पहले किस प्रकार की धांधली चुनाव प्रचार में होती होगी। मतलब देखिए, इतने कानून होने के बावजूद भी आज भी कुछ जगहों पर इस प्रकार के कानून तोड़े जाते हैं। तो जिस समय ये कानून होते ही नहीं होंगे तो किस प्रकार के वोटिंग उस समय होती होगी, किस प्रकार का इलेक्शन होता होगा, आप सोच सकते हैं। तो सच में उनका दिल से धन्यवाद है टीएन सेशन जी का कि इतनी बढ़िया चुनाव प्रणाली उन्होंने भारत में लागू करवाई। तो दोस्तों टीएन सेशन जी के बारे में ये तो मैंने बहुत संक्षेप में जानकारी दी है। अगर आप में से कोई 80-90 के दशक के हो और आपने टीएन सेशन जी के बारे में उस समय और भी कुछ न्यूज़ सुनी हो, उनके बारे में और भी आपको कुछ जानकारी हो, तो प्लीज़ नीचे कमेंट में आप मुझे ज़रूर बताइए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।